गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारा आज फोर्थ क्लास है कंसोलिडेशन का। लास्ट क्लास में क्लास फोर्थ है हमारा। लास्ट क्लास में हमने रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट का आपको ट्रीटमेंट बताया था। बेसिकली फिक्स्ड एसेट ऑफ सब्सिडरीज ओनली रिवैल्यूएड इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। अगर इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवैल्यूएशन किया हुआ तो कंसोलिडेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। अगर इंडिविजुअल में नहीं किया हुआ है तो कंसोलिडेशन में लेंगे, लेकिन खाली सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन वाला लेंगे, होल्डिंग का रिवैल्यूएशन कंसोलिडेशन में नहीं आएगा अगर नहीं किया हुआ है तो। सब्सिडरी का नहीं किया हुआ है तो भी अपन कंसोलिडेशन के वक्त करेंगे। तो रिवैल्यूएशन हमेशा पार्टनरशिप फॉर्म में भी हम लोग पढ़ा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का हकदार हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग रहता है। इसका मतलब जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, वॉट एवर प्रॉफिट द फर्म हैज अर्न टिल डेट वो भी पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ता है, प्लस जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट होता है, उसके बेसिस पे नया पार्टनर अपना कैपिटल लेके आता है। तो जब भी नया पार्टनर कोई भी कैपिटल लेके आएगा तो जाहिर सी बात है वो कैपिटल का पैसा भरा है, वॉट एवर प्रॉफिट द फर्म हैज अर्न टिल डेट उसका पैसा भरा है, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का भी पैसा भरता है वो, उसके बेसिस पे वो कैपिटल लेके आता है। तो यहां पर भी होल्डिंग जब शेयर खरीद रहा है सब्सिडरी कंपनी का तो उसने कैपिटल का पैसा दिया, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि उसके बाद जो भी सब्सिडरी कमाता है वो होल्डिंग के लिए भी कमाई है, एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो पूरा का पूरा प्री में जाएगा। उसके कारण मेरा वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ गया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन वो हमारा पोस्ट में जाएगा। उसके बाद अपन होल्डिंग माइनॉरिटी ब्रेकअप करके वो वाला ट्रीटमेंट तो अपन को मालूम है। प्री होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, पोस्ट होल्डिंग का शेयर होल्डिंग अपना पीएल में ऐड करेगा, और माइनॉरिटी का प्री हो चाहे पोस्ट हो टोटल क्लेम माइनॉरिटी में जाता है। तो काफी सारा केसेस हम लोग देखा है, तो आज हम लोग पहले वही चीज करेंगे जो हम लोग रिवाइज करेंगे वो जो भी हमने पास्ट में किया है, राइट। उसके बाद आज हम लोग नया ट्रीटमेंट करेंगे डिविडेंड का। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, राइट। दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर फोर केसेस, राइट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बैलेंस शीट नहीं है बट डेटा दिया हुआ, अपन को निकालना है। बोला माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है, ये भी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन निकलता है, ये हमेशा एट द डेट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा, राइट। और बोलता है अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट, होल्डिंग कंपनी का पीएल कंसोलिडेटेड में कितना आएगा, तो उसका अपना आएगा प्लस सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन का होल्डिंग शेयर, राइट, मालूम है ना। तो उसका अपना प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग केस वन करते हैं, उसके बाद अपन बाद में बात करेंगे। आइए, ले आओ पीडीएफ, ले आओ उससे। केस वन, राइट, 1/1/2001, 31 December 2001, राइट। तो ये जो भी डिटेल दिया हुआ है ना, ये सब सब्सिडरी का डिटेल दिया हुआ है। तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल दे दिया, कौन से दिन का, जिस दिन हमने खरीदा है, और बैलेंस शीट डेट का भी दे दिया, पीएल भी दे दिया। तो हम लोगों को मालूम है 1 January, 31 December, जिस दिन शेयर खरीदा उस दिन शेयर कैपिटल 1 लाख,
आगे भी शेयर कैपिटल 1 लाख, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है। पीएल राइट, तो साफ समझ में आ रहा है, शेयर खरीदने के बाद पोस्ट एक्विजिशन पीएल कितना है? 20,000। एकदम सिंपल है। दिसंबर तक का टोटल दिया हुआ है 70,000, जनवरी तक का टोटल है 50,000, तो इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है राइट। क्लियर? तो आज हम चाहें तो मैं नोट नंबर 1 में पहले एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कर सकता हूं, प्री एक्विजिशन अप टू 1 जनवरी, पोस्ट पीएल टोटल 70,000 है, अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन 50, पोस्ट पीएल 20, है ना? अच्छा, मैंने 90% शेयर एक्वायर किया है तो माइनॉरिटी 10%, मैंने 90% शेयर अक्वायर किया तो माइनॉरिटी 10% हो गया ना, है ना? होल्डिंग माइनॉरिटी 45,000, 5,000, एटीन थाउजेंड, 2,000, ठीक है? हाँ, सबसे पहले अपने गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, ये हमेशा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकलता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,40,000। ये कॉस्ट 90% का ही है। अच्छा, ये वाला फिगर कहां से लेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगा, किसके बैलेंस शीट से मिलेगा? होल्डिंग का बैलेंस, क्योंकि होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट है। और इसको कंपेयर करेंगे शेयर होल्डर फंड ऑफ सब्सिडियरी टू द एक्सटेंट ऑफ 90%, तो मैंने किस किस चीज का पैसा भरा है? शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड का 90%, 1 लाख का 90%,
एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 90% इज 45,000, सॉरी ये नोट टू होगा, ठीक है। अभी माइनॉरिटी बोला है, ध्यान से सुनना, माइनॉरिटी एक एक का भी निकालने बोला है, 31/12 का भी निकालने बोला है। हो सकता है एक साल पहले माइनॉरिटी ये फिगर आज निकालो, चाहे एक साल बाद निकालो, 10 साल बाद निकालो, यही रहने वाला है, क्योंकि इट इज ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट। तो माइनॉरिटी में शेयर कैपिटल कितना लेंगे, 9-10%, आज निकालो चाहे एक साल बाद निकालो, शेयर कैपिटल तो सेम है। माइनॉरिटी का प्री एक्विजिशन आज निकालो चाहे एक साल बाद निकालो, आएगा। माइनॉरिटी का पोस्ट एक्विजिशन एक साल पहले नहीं आएगा, लेकिन आज वाला में आएगा। अगर हम 1 जनवरी को बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस समय तो पोस्ट नहीं था ना, उस समय पीएल खाली 50 था, तो 50 का 10% 5,000, लेकिन अब पीएल 70 है तो 70 का 10% 7,000। देखो पंद्रह हजार, 17 हजार, बैलेंस शीट तो आपने दिसंबर वाला ही बनाएंगे ना, मार्च वाला तो, जनवरी वाला तो बनाएंगे नहीं। राइट नोट फोर, होल्डिंग का पीएल, ओन कितने का है, 2 लाख, पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम अठारह हजार,
ठीक है ना, इज इट ओके? पक्का बोलो, सिंपल है। बैलेंस शीट अपने को जनवरी वाला भी आ सकता है, दिसंबर वाला भी आ सकता है। माइनॉरिटी कीप्स ऑन चेंजिंग ईयर बाय ईयर, गुडविल कैपिटल रिजर्व ईयर आफ्टर ईयर सेम रहेगा, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन जो भी सब्सिडरी कमाता है वो होल्डिंग के लिए भी कमाई है, तो होल्डिंग उसको यहां नहीं ले रहा, अपना पीएल में ऐड करते जा रहा है शेयर खरीदने के बाद। लेकिन माइनॉरिटी का तो प्री पोस्ट एक ही होता है ना, सो दिट विल कीप ऑन चेंज। एम आई चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर, इसमें हर समय हर साल का पोस्ट 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 ऐड होता जाएगा, और होल्डिंग का जो शेयर है पोस्ट वाला वो हर साल उसका पीएल में ऐड हो जाएगा, राइट? चलिए अब हम लोग करेंगे केस टू। एटी फाइव परसेंट होल्डिंग है, मतलब 15% माइनॉरिटी। ये जो 1,04,000 कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, ये कितना परसेंट का कॉस्ट है? 85% का ये, इसका 85% मत कर लेना, लेकिन सब्सिडरी का जब फिगर लेंगे उसका 85% लेंगे। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, और एक बात देखना, जिस दिन अक्वायर किया था उस दिन रिजर्व था 30, लॉस हो गया, तो अब क्या होगा? मेरा फंड्स डिप्लीट हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं है, जो चीज प्लस होता था वो माइनस होगा। तो सबसे पहला बात, होल्डिंग कितना है? 85, माइनॉरिटी 15, नोट वन, नोट टू, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड, ये हमेशा करना है। अच्छा, ये एनालिसिस प्रॉफिट सब्सिडरी का हो रहा है, लेकिन होल्डिंग का डेट ऑफ एक्विजिशन के बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से प्री पोस्ट हो रहा है ना। पूरा प्रॉफिट सब्सिडरी का है, लेकिन इसका जो ब्रेकअप हो रहा है, सिंस आई एम द मेजर शेयर होल्डर, मेरे हिसाब से होगा। माइनॉरिटी बोलेगा मैंने तो 1 फरवरी को शेयर खरीदा है, उसके हिसाब से प्री पोस्ट निकालो ना। आई एम हियर टू प्रेजेंट माई कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट, उस कॉन्सोलिडेशन में यू आर जस्ट अ पार्ट, आई एम जस्ट शोइंग योर टोटल क्लेम कि हमको तुमको इतना देना है, बींग माइनॉरिटी शेयर होल्डर। गॉट माई पॉइंट? तो यहां पे प्री एक्विजिशन अगेन अप टू 1 जनवरी, पोस्ट पीएल टोटल, थर्टी थाउजेंड टोटल 20, तो नेगेटिव 10, ठीक ही तो है। लास्ट में तो 20 है, ईयर एंड में 20 बैलेंस है, चेक करो। थर्टी था, 10 लॉस हो तो अपना बचा 20, 85%, 25,500, 4,500, 8,500, 1,500,
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,04,000, ये 85% का ही कॉस्ट है, ठीक है, लेस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी का 85%, कितना है शेयर कैपिटल? वन लैख, 85,000 आ गया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का ऑलरेडी 85% हो चुका है, कितना आ रहा है? 6,500 नेगेटिव, तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 जनवरी 31/12, शेयर कैपिटल 15%, 15,000, प्री एक्विजिशन जनवरी वाला में भी आएगा, दिसंबर वाला में भी आएगा, ये दोनों माइनॉरिटी में जाएगा ना, ये माइनॉरिटी में, बट दोनों माइनॉरिटी निकालने बोला है। एज ऑफ जनवरी तो ये प्रॉफिट्स हुआ ही नहीं था, और एज ऑफ दिसंबर टिल जनवरी वाला भी प्रॉफिट्स था और उसके बाद वाला भी प्रॉफिट्स था। इसका देखो ना नेट कितना आ रहा है, इसका नेट 3,000 आ रहा है ना, 20,000 का सीधा 15% करो, देखो 3,000 आएगा, ठीक है। होल्डिंग का पीएल में ओन पीएल 2,00,000 लेस प्रॉफिट हुआ तो मैं उसका हकदार, तो लॉस का भी हकदार बनना हो, 8,500 लेस होगा, कंसोलिडेटेड पीएल, ठीक है ना, खाली ये पीएल है, इसमें कैपिटल रिजर्व जुड़ेगा तब जाके टोटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा। बढ़िया ना, बड़े आगे, ये सब एकदम बेसिक है, जस्ट मैं रिवाइज करवाने के लिए करवा रहा हूं। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, यहां पे 80% बोला है,
और यहां देखो प्रॉफिट में कोई चेंज ही नहीं है, पोस्ट है ही नहीं, प्रॉफिट में कोई चेंज ही नहीं है, पोस्ट ही नहीं है, ठीक है। सीधा नोट वन, होल्डिंग 80, माइनॉरिटी 20, नोट टू एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड प्री पोस्ट टोटल, प्री 20 टोटल 20 जीरो, होल्डिंग माइनॉरिटी 16,000 4,000 डैश डैश, गुडविल कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 56 लेस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी का 80% करने से 40,000 आएगा, और प्री एक्विजिशन आएगा 16, गुडविल वगैरह नहीं है, शेयर कैपिटल का 20% करने से 10 10, प्री एक्विजिशन 4 4, पोस्ट यहां आएगा नहीं, यहां नील है, लास्ट वाला में माइनॉरिटी जीरो है, वो होमवर्क में है। ठीक है, एकदम टंग ट्विस्टर्स है, सिंपल फंडा था। चलिए This is homework. Now this is very important. Then we will move to number 8. Dividend का treatment क्या होगा वो हम लोग करेंगे अभी। क्या copy नहीं हुआ? ये सब तो अपने आप कर लेना चाहिए, fast fast. XYZ purchased 80% shares of ABC Limited on 1st January 2001 for 1,40,000. ठीक है, तो इसमें होल्डिंग कौन सा कंपनी हुआ? XYZ होल्डिंग है, ये सब्सिडरी हो गया। जिस दिन शेयर खरीदा
उस दिन का शेयर कैपिटल और उस दिन का पीएल दे दिया, राइट? इस साल मैंने 20,000 कमाया है और 15,000 का डिविडेंड दिया है, डिक्लेयर्ड एंड पेड एट ईयर एंड, 15,000 का डिविडेंड दिया है। बोले ट्रीटमेंट, डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, बाकी सब कुछ पूछा है, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, ब्ला 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 सब बता देंगे, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसमें डिविडेंड ट्रीटमेंट होगा ही होगा, मस्ट है वो। ये मेरा टाइमलाइन, ये मेरा जनवरी और ये मेरा दिसंबर, ठीक है? हमने 90% शेयर खरीदा शायद, 80% शेयर खरीदा, ठीक है। सो होल्डिंग 80, माइनॉरिटी 20। अच्छा, इसको खरीदा कितना में? 1,40,000 में। हाँ, बहुत बढ़िया। अब सब्सिडरी का, एबीसी लिमिटेड मतलब एस लिमिटेड, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? शेयर कैपिटल 1,00,000 है, पीएल 60,000। यहां पे शेयर कैपिटल कितना है? सेम। पीएल कितना होगा? 60,000 ओपनिंग, 60,000 ओपनिंग है ना, नेट प्रॉफिट 20, डिविडेंड पेड 15, मतलब ये हमारा 65 है। ये समझना बहुत जरूरी है। 60,000 हमारा जनवरी में प्रॉफिट था, 20,000 हमने कमाया, 80 हो गया, हाँ, 15,000 का डिविडेंड दे दिया, 65 क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर मान लो मैं ये वाला ना दूं, मैंने ये वाला डिलीट कर दिया, खाली यही इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, तो तुम क्या बोलोगे?
क्या बोलोगे तुम? पूरा साल नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 5, मतलब पोस्ट एक्विजिशन 5 है। बट ये तो गलत है ना, पोस्ट एक्विजिशन है कितना? 20। इस साल हमने 20 कमाया। अगर मैं ये वाला इंफॉर्मेशन छुपा दूं अगर मैंने ये वाला इंफॉर्मेशन छुपा दिया, ये वाला भी जो मैंने मिटाया, दिस इंफॉर्मेशन आई हैव हिडन, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो तुमको देख के क्या लगेगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज 5000, बट एक्चुअली पोस्ट एक्विजिशन है कितना? 20। तो 20 कैसे आएगा? इसमें से पहले एक बार डिविडेंड पेड ऐड करो। तो हमेशा याद रखना, जब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हमेशा डिविडेंड पेड ऐड होगा एक बार। हाँ ठीक है। हाँ हमेशा। सो हम लोगों को करना क्या है, ध्यान से सुनना। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड। एग्जाम में 20,000 नेट प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, खाली डिविडेंड पेड बोला रहेगा, अपने को ऐसे ऐड करके निकालना पड़ेगा पोस्ट एक्विजिशन का। एक सेकंड रुको ना, बता रहा हूं, वेट करो थोड़ा। They will give you this opening PL, they will give you this closing PL. ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है 5000 का प्रॉफिट है, बट क्वेश्चन में बोला है कि सब्सिडियरी ने डिविडेंड भी पेमेंट किया है। ये 60,000 दिया हुआ है, ये 65 दिया हुआ है, तो तरीका से तुमको लग रहा है कि 5000 मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। गलत, प्रॉफिट 5000 नहीं है, पोस्ट पीएल 5000 नहीं है, ये तो डिफरेंस आ रहा है दोनों का। क्योंकि अपन इन दोनों का डिफरेंस यहां ले रहे हैं, तो डिविडेंड पेड यहां से एडजस्ट हो चुका है, तो पहले एक बार के लिए हम लोग डिविडेंड पेड को ऐड करेंगे। जैसे लास्ट क्लास हमने अब नॉर्मल लॉस ऐड कराया था टू मेक प्रॉफिट इवनली स्प्रेड, उसी प्रकार अपन डिविडेंड पेड यहां पहले ऐड करेंगे, तब तरीका से आएगा। टिल जनवरी ये प्रॉफिट है, पोस्ट जनवरी ये प्रॉफिट है। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को करना है सर, डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी लिमिटेड is adjusted with
डिफरेंस इन पीएल, ठीक है। हम लोग को इतना इजी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला कि आपको करंट ईयर का प्रॉफिट 20,000 दे देगा और टिल जनवरी प्रॉफिट 60,000 ना। हम लोग को बैलेंस शीट देगा, दो होल्डिंग का भी बैलेंस शीट देगा, सब्सिडरी का भी बैलेंस शीट देगा। तो सब्सिडरी का बैलेंस शीट से ये क्लोजिंग वाला फिगर ले लेंगे, और ये ओपनिंग वाला फिगर हमेशा एडजस्टमेंट में दिया रहता है कि जिस दिन शेयर खरीदा उस दिन पीएल बैलेंस ये था, तो दोनों का डिफरेंस इज पोस्ट। अभी तक इतना ही करके आए हैं कि टिल टुडे से टिल एक्विजिशन माइनस करेंगे तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा, शेयर खरीदने के बाद वाले प्रॉफिट्स। बट ये शेयर खरीदने के बाद वाले प्रॉफिट्स नहीं है, इसमें ये एडजस्ट हो चुका है, तो करेंट ईयर प्रॉफिट आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, करेंट ईयर प्रॉफिट आने के बाद मैंने डिविडेंड दिया, मैंने डिविडेंड दिया तो प्रॉफिट कम होना चाहिए ना। सर ये तो प्रॉफिट तो कम किया, आप इसको वापस से बढ़ा क्यों दिए? इसलिए अब मैं चेक करूंगा कि डिविडेंड कौन से साल का दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा डिविडेंड होगा वैसा होल्डिंग भी, आज हम पे कर रहे तो होल्डिंग रिसीव करेगा ना, चीज को समझो। मैं डिविडेंड यहां पे कर रहा हूं, डिविडेंड पेड, मैं डिविडेंड यहां दे रहा हूं तो होल्डिंग को तो मिलेगा ही। अब जो मैं डिविडेंड दे रहा हूं क्या होल्डिंग इसका हकदार है? जब भी आप डिविडेंड देते हैं आपको बताना पड़ता है आपने कौन से साल का डिविडेंड दिया, क्या आपने 2001 का डिविडेंड दिया है कि 2000 वाला साल का डिविडेंड दिया है। जैसे इनकम टैक्स में होता है ना, वी अर्न इन दिस ईयर पे टैक्स नेक्स्ट ईयर, वैसे कंपनी जब तक पुराना साल का प्रॉफिट फाइनलाइज नहीं हो जाता, एनुअल जनरल मीटिंग जब उसका हेल्ड होता है तब जाके वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो इस साल जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है क्या ये करेंट ईयर का डिविडेंड दिया है कि लास्ट ईयर वाला डिविडेंड दिया है, ये देखना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर करेंट ईयर का डिविडेंड दिया है तो करेंट ईयर सब्सिडरी ने जो भी कमाया मेरे लिए वो प्रॉफिट है, करेंट ईयर सब्सिडरी ने जो भी कमाया वो मेरे लिए प्रॉफिट है, मेरे शेयर खरीदने के बाद है, तो उसका जो डिविडेंड मिलेगा वो मेरे लिए इनकम। लेकिन अगर सब्सिडरी ने पिछले साल का प्रॉफिट से डिविडेंड दिया है तो उसका तो मैं हकदार नहीं हूं बट फिर भी मेरे को मिल रहा है, तो उसको बोला जाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्या बोला जाता है? तो अल्टीमेटली वो डिविडेंड मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ईयर एंड में डिविडेंड दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक करना है कौन से समय का दिया। वो क्वेश्चन में साइलेंट है क्योंकि मैं दोनों तरफ का कराने वाला हूं, तो इसमें मैं सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि करेंट ईयर का डिविडेंड दिया गया है, तो मैं ऐड करने के बाद वापस से डिविडेंड पेड, अज्यूम क्या किया हूं मैं करेंट ईयर का है, रिलेट्स टू करेंट ईयर, तो मैं 15,000 यहीं से लेस कर दूंगा। मैं 15,000 यहीं से लेस कर दूंगा, साठ हजार, 5,000। सर आपने क्यों ही ऐड किया और क्यों माइन, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आने वाला एक दो क्लास के बाद समझ में आएगा ये मैंने ऐसा क्यों किया। लास्ट क्लास मैंने आप नॉर्मल लॉस के लिए भी आपको बोला था ना,
फॉर द टाइमिंग अपन क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे, ऐड करने से प्रॉफिट इवनली स्प्रेड हो जाता है, उसके बाद अपन डेट देख के उसको लेस कर देंगे। वैसे डिविडेंड पेड हमेशा यहां से एडजस्टेड होता है, तो पहले उसको ऐड कर देंगे यहां पे, फिर देखेंगे कौन सा समय का है, करेंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड दिया है, मतलब शेयर खरीदने के बाद वाले समय का डिविडेंड है, मिला मेरे को शेयर खरीदने के बाद ही है। भैया तुमने दिसंबर में डिविडेंड दिया तो मेरे को दिसंबर में मिलेगा, मिला कब उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन से समय का डिविडेंड है उससे फर्क पड़ता है। सब्सिडियरी बोलेगा कि मैं इस साल का डिविडेंड दे रहा हूं, मैं पिछले साल का दे रहा हूं, मैं दो साल पहले का दे रहा हूं, बोलेगा सब्सिडियरी। जनरली इस साल जो भी डिविडेंड दिया जाता है वो पास्ट ईयर परफॉर्मेंस का होता है, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, और जब डिविडेंड करेंट ईयर परफॉर्मेंस का दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलेंगे, समझ गया मेरा बात? तो मैंने ये माना है ये इंटरिम डिविडेंड है, क्या है, करेंट ईयर परफॉर्मेंस से दिया गया तो मैंने करेंट ईयर से इसको लेस कर दिया। अब करो होल्डिंग माइनॉरिटी, कितना 80, ये दोनों तो एमआई में जाएगा है ना, ये होल्डिंग पीएल में जाएगा और ये Is it fine everyone? पक्का बोलो हाँ, आप ध्यान से सुनना, होल्डिंग कंपनी दैट इज एक्स वाई जेड लिमिटेड शुड रिकॉर्ड dividend received from subsidiary limited that is ABC limited as income for the year, right? तो entry क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू होल्डिंग का पीएल, रिसीव्ड कितना 15,000 का 80% ना, मेरे को तो 80 मिलेगा, 12,000 मेरा पीएल में आएगा, हमेशा ये चीज समझ लेना। जब तुम ये वाला ट्रीटमेंट कर लोगे तो तुमको मालूम चल जाएगा कि होल्डिंग को जो डिविडेंड मिला उसका होल्डिंग क्या करेगा, और ये जो भी गाइडलाइंस मैं बोल रहा हूं ना ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में लिखा हुआ है। बोला आपने शेयर खरीद लिया, हाँ शेयर खरीदने से आपको डिविडेंड मिलेगा,
क्या आप उसके हकदार हैं? तो देखो कौन से समय का डिविडेंट है। सर ये जो समय है ये 2001 का समय है और उसके पहले ही मैंने शेयर खरीद लिया था तो मैं इसका हकदार हूं। शेयर के केस में क्या होता है, आज आप किसी को, आप कभी डिवेंचर खरीदिए? मैंने आपसे डिवेंचर खरीदा, डिवेंचर में हर 6-6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है मार्च और सितंबर में, तो मैंने फरवरी में किसी से डिवेंचर खरीद लिया, जिससे भी खरीदा उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला हुआ है? सितंबर। मार्च में इंटरेस्ट लेना था उसको लेकिन वो बेच दिया मेरे को, तो जिससे भी मैंने खरीदा ना वो मेरे को 5 महीने का इंटरेस्ट अलग से चार्ज करता है। फरवरी तक का, मार्च आते ही मेरे को कंपनी 6 महीने का देगी सीधा। तो खरीदते वक्त मैंने 5 महीने का दिया, मेरे को 6 महीने का मिल गया, अल्टीमेटली मेरा 1 महीने का कमाई हो गया मार्च वाला। तो ये जो डिविडेंड रिसीव हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये मेरा पीएल में जाएगा, ये मालूम चल गया ये मेरा पीएल में जाएगा, हाँ या ना? अब हम तीनों कैलकुलेशन करेंगे। क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे? नंबर वन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 80% का ही है, अच्छा अभी हम सब बैलेंस शीट डेट का ही निकाल रहे हैं, लेकिन गुडविल जनवरी का निकलेगा, माइनॉरिटी अब हम दो नहीं निकालेंगे, तो जनवरी वाला माइनॉरिटी निकाल के फायदा नहीं है। 80,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 80% ऑलरेडी किया हुआ है, इकतीस बारह वाला, प्री एक्विजिशन का 20% आएगा 12, पोस्ट एक्विजिशन का 20% आएगा 1,000। यही है ना ऊपर में 12 और 1 कितना आ रहा है 33। माइनॉरिटी को जो डिविडेंड मिला वो अपना पर्सनल बुक्स में दिखाएगा, उसको होल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। नोट 4 होल्डिंग का पीएल, ओन पीएल दिया हुआ नहीं है इसमें, पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम सब्सिडरी ऐड हो जाएगा 4,000 और डिविडेंड रिसीव भी तो ऐड होगा 12,000। जो भी एक बार मैं 16,000 लिख दिया, ओपनिंग वाला कुछ नहीं पकड़ा हूं मैं।
ठीक है, तो होल्डिंग को जो डिविडेंड मिलेगा वो होल्डिंग को उसको अपना पीएल में लेना चाहिए। बात बराबर है? अब अपन गेम को घुमाएंगे। अब मानेंगे कि ये प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, मेरे शेयर खरीदने के पहले वाला समय का। तो सर आपके शेयर खरीदने के पहले वाला डिविडेंड तो आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि शेयर मेरे हाथों में है, इसलिए मेरे को मिल रहा है। पूरा साल किसी और के पास में था, साल खत्म होते उसको पैसे का दरकार था, वो मेरे को बेच दिया। तो जब तक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड होगा उस समय तो शेयर मेरे पास, मैं शेयर होल्डर हूं, मेरा शेयर होल्डर रजिस्टर में नाम होगा, रिकॉर्ड डेट में मेरा नाम होगा, तो अल्टीमेटली मेरे को मिलेगा, बट मैं उसका हकदार नहीं हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 यही बोलता है। आपके शेयर खरीदने के बाद वाले समय का समय देखो कब आपको मिला उस, क्योंकि आपको मिला है ओके, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि उसने कौन से समय का डिविडेंड दिया है। क्योंकि शेयर आपके पास में डिविडेंड आपको मिला ओके है, बट कौन से समय का डिविडेंड उसने दिया? हैज ही पेड डिविडेंड आउट ऑफ करेंट ईयर, पोस्ट द पीरियड यू अक्वायर्ड शेयर्स, और प्री द पीरियड यू अक्वायर्ड शेयर्स? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोल देगा ये चीज कि डिविडेंड कौन से समय का उसने दिया है। तो अगेन हम लोग को वो एनालिसिस करना है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड अगर होगा तो क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा है। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड, प्री एक्विजिशन अप टू 1 जनवरी, पोस्ट पीएल टोटल। साठ हजार टोटल, 65,000 दिया हुआ है, तो डिफरेंस 5 आ रहा है, राइट? तो पहले अपन क्या करते हैं, ऐड डिविडेंड पेड, इस 5 से वो एडजस्टेड है, ठीक है? पहले एक बार ऐड कर देंगे। अब देखो डिविडेंड कौन से समय का है, तो वापस से डिविडेंड पेड अब देखेंगे, रिलेट्स टू लास्ट ईयर, रिलेट्स टू, तो 20,000 अपन यहां से लेस करेंगे। हमें सॉरी 20,000 नहीं, 15,000, डिविडेंड 15 है ना, समझ गया? क्योंकि अपन डिफरेंस ले रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट यहां से एडजस्टेड है, बाय डिफॉल्ट एडजस्टेड। तो पहले बार प्लस कर दो। हाँ, अब देखो डिविडेंड कौन से समय का है, लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट से लेस होगा, कैलकुलेशन में ये यहां से लेस हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट। होल्डिंग 80,
माइनॉरिटी 20, 36, 9, 16, 4, क्लियर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है? होल्डिंग कंपनी शुड रिकॉर्ड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एज recovery of cost and therefore should reduce cost of investment। तो ये हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड का ट्रीटमेंट है। क्या है ये? मेरे शेयर खरीदने के पहले वाले समय का डिविडेंड, मेरे शेयर खरीदने के बाद वाले समय का डिविडेंड। ये क्या है यहां पे देखो एक बार, मैं जस्ट बनवा दे रहा हूं। यहां पे क्या हुआ है, ये जनवरी एक्स वन, दिसंबर एक्स वन, हाँ, सब्सिडरी यहां डिविडेंड पे किया तो यहां पे हमको डिविडेंड रिसीव हुआ। जो डिविडेंड रिसीव हुआ वो ये वाले समय का है और ये मेरा डीओए था, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो देखो समय क्या है, मेरे खरीदने के बाद वाले का है। राइट, मैंने जो शेयर खरीदा है उसके बाद वाले समय का डिविडेंड है। और इधर में क्या होगा, ये जनवरी, ये दिसंबर, डिविडेंड हमको यहां मिला है, ये हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन, ये वाले समय का डिविडेंड मिला है डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले है, मिला हमको है क्योंकि शेयर मेरे पास में है। तो आपके शेयर खरीदने के पहले वाले समय का डिविडेंड है तो इसकी एंट्री क्या करूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 का 80%, 12,000 टू इन्वेस्टमेंट, 12,000। ठीक है, नोट टू गुडविल कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 1.40 लेस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी का 80%, 80,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 80%,
36,000 और डिविडेंड रिसीव भी यहीं से लेस होगा, बारह हजार। गुडविल आ गया, देखो माइनॉरिटी को फर्क नहीं पड़ता, पहले भी 33 था अभी भी 33 है। राइट right. ओनपीएल है नहीं, प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम सब्सिडरी। तीनों आंसर सेम आया ना। यहां मेरा इनकम माना जाएगा, यहां मेरा रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, यहां इनकम माना जा रहा है। यहां मेरा रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जा रहा है। इज इट ओके? तो और सम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेट मी जस्ट सी वंस।
ठीक है, नंबर 11 पढ़ो एक बार। नंबर 11 छोटा सा है, दो 5-10 मिनट में हो जाएगा। ये होल्डिंग हो गया, 70% शेयर खरीदा है, और ये सब्सिडरी हो गया। 70% जो मैंने शेयर खरीदा है उसका कॉस्ट 70 लाख है, और बैलेंस शीट खाली सब्सिडरी का दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और एक बात ध्यान से सुनना, सब्सिडरी का सारा एसेट का टोटल कितना है? $245 इसका टोटल एसेट। अच्छा, लोन्स एंड एडवांसेस भी एसेट ही तो है, लायबिलिटी थोड़ी, एक सेकंड रुको, तो ठीक से करना पड़ेगा। कितना है? 260 मेरा टोटल एसेट है, और डिबेंचर और इसको मिला के टोटल लायबिलिटी 140। तो शेयर होल्डर फंड कितना हुआ? 120। है ना, शेयर होल्डर फंड 120 होगा। यहां तक बोलो, क्लियर है ना? क्लियर? सबसे पहले ये चीज समझ में आए तो बोलो। ठीक है, ये शेयर होल्डर फंड में क्या होगा? शेयर कैपिटल होगा और पीएल होगा। हाँ, अच्छा, बैलेंस शीट कौन से तारीख का दिया हुआ है? मार्च। शेयर भी मार्च को खरीदा, पूरा का पूरा पी है। हाँ है ना, मतलब मैं शेयर कैपिटल का 70% का पैसा भरा हूं, पूरा का पूरा पीएल का भी पैसा भरा हूं, तो मैं बोल सकता हूं मैं शेयर होल्डर फंड का 70% का पैसा भरा हूं। मेरा टोटल एसेट 260 है, टोटल लायबिलिटी 140, तो शेयर होल्डर फंड 120। क्लियर? प्रॉपर्टी प्लांट को 20% से बढ़ाने बोला है, तो 1:20 का 20% कितना होता है? 24 मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट को 10% गिराने बोला है।
अच्छा ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन होल्ड, ये होल्डिंग का बैलेंस शीट नहीं है, सब्सिडियरी का अपना कोई इन्वेस्टमेंट होगा, कहीं पे एफडी किया होगा या किसी कंपनी का डिवेंचर लिया होगा, तो ये सब्सिडियरी का इन्वेस्टमेंट है, ये वो इन्वेस्टमेंट मत समझना ये 70 लाख वाला, ये तो होल्डिंग के बैलेंस शीट से मिला ना अपने को, ये सब्सिडियरी का बैलेंस शीट है, सब्सिडियरी का नॉर्मल एसेट की तरह इसको ट्रीट करो, तो इसका रिवैल्यूएशन में गिर रहा है ये 5.5, 18.5 आया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसका भी पैसा हमने भरा है, ये भी तो प्री में जाता है ना, मैं क्या क्या चीज का पैसा भरता हूं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्सेस शेयर कैपिटल 70%, प्री एक्विजिशन 70%, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 70%, एंड अभी एक चीज बताया प्री एक्विजिशन डिविडेंड मत बोलो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी, तो ये दोनों मेरा शेयर होल्डर फंड है, ₹120, ये मेरा अलग से आ गया 18.5, अब डिविडेंड देख लेते प्री है कि पोस्ट है, खेल वहीं खत्म हो जाएगा, सब्सिडरी लिमिटेड जेड लिमिटेड मतलब सब्सिडरी लिमिटेड ना, 20% डिविडेंड दिया है मार्च 2001 को और मैंने इसी दिन शेयर खरीदा, मतलब मैंने शेयर खरीदा और मेरे को डिविडेंड मिला, इसका मतलब यही है मैंने शेयर खरीदा और मेरे को डिविडेंड मिला, मतलब सुबह शेयर खरीदा शाम को डिविडेंड मिला, इसका कहने का मतलब वही है, तो मैंने जो डिविडेंड दिया है, मैंने ये जो डिविडेंड दिया है होल्डिंग के शेयर खरीदने के पहले वाले समय का है कि बाद वाले समय का है, मैंने आज शेयर खरीदा, ये मैंने शेयर खरीदा है 31 मार्च, दिस इज माई डेट ऑफ एक्विजिशन, यही बैलेंस शीट डेट भी है, कहां है 2002 का बैलेंस शीट दिया है क्या, और लिखा भी है डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड, कभी भी आने वाले समय का आप नहीं देते हैं, जिस दिन आप डिविडेंड दे रहे हैं वो बीता हुआ कल होगा ना, वो बीता हुआ कल मेरे शेयर खरीदने के बाद वाला है कि मेरे शेयर खरीदने के पहले वाला है वो देखना पड़ता है, अभी आपको मैं दिखाऊं, आप देखिए ध्यान से, ये देखो यहां पे डिविडेंड पे हुआ ना, रिसीव हुआ मेरे को बीता हुआ कल, ये बीता हुआ कल मेरे शेयर खरीदने के पहले का है, देखो बीता हुआ कल है ना कि फ्यूचर का है, अच्छा यहां पर भी मैंने डिविडेंड रिसीव किया बीता हुआ कल, लेकिन ये बीता हुआ कल मेरे शेयर खरीदने के बाद का है, तो अगर मैं मार्च में खड़ा होकर डिविडेंड दे रहा हूं आने वाले का नहीं हो सकता, और आज ही मैंने शेयर भी खरीदा है तो इट ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ये प्री हो गया, सामने वाले ने डिविडेंड दिया बीता हुआ कल का, मैंने भी आज ही शेयर खरीदा है तो मेरे लिए तो वो एक्विजिशन के पहले का समय का हो गया, सामने वाले ने डिविडेंड दिया बीता हुआ कल का, आने वाला फ्यूचर प्रॉफिट का डिविडेंड नहीं दे सकते आप, मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन के लिए वो पहले हो गया, यहां पर भी देखो डिविडेंड जो मिला है वो बीता हुआ कल का मिला है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू माय डेट ऑफ एक्विजिशन इट इज पोस्ट, यहां पर भी डिविडेंड बीता हुआ कल का है बट विथ रेस्पेक्ट टू माय डेट ऑफ एक्विजिशन इट इज प्री, तो यहां पर भी वही चीज होगा, राइट right?
with respect to date of acquisition, it is pre-acquisition dividend received for holding limited, which is X limited. ठीक है, बोलो. पक्का? इज इट फाइन? अब ध्यान से देखना, 70 लाख का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, 20 रुपया का एक शेयर है. 70 लाख का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, 20 रुपया का मेरा शेयर है, तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा इनटू एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर, क्योंकि उसी पे डिविडेंड कैलकुलेट होगा. डिविडेंड कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा ना. बताइए कितना आ रहा है? 70 लाख को डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 3.5 लाख शेयर्स, फिर इनटू 10 फेस वैल्यू करेंगे तो 35 लाख फेस वैल्यू, उसका 20%. हाँ, ऐसे करो. देखो, मैं तुमको बताता हूं, सिंपल. देखो कितना नंबर क्वेश्चन है ये. इलस्ट्रेशन 11. नोट 1. नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एक्स लिमिटेड, 70 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट है, एक एक शेयर मैंने 20 में खरीदा, 3.5 लाख शेयर्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड 3.5 लाख इज 70%. मैंने तो 70% ही खरीदा है, तो मैंने कितना शेयर खरीदा वो ये है. फाइव लाख. तो शेयर कैपिटल ऑफ जेड लिमिटेड, मतलब सब्सिडरी लिमिटेड, 5 लाख इंटू 10, 50 लाख. डिविडेंड पेड बाई जेड लिमिटेड, अपना शेयर कैपिटल का 20%, 10 लाख. तो इसमें से मेरे को 7 लाख का डिविडेंड मिला ना. इसमें से मेरे को कितना डिविडेंड मिला? 7 लाख का.
फैन मत चलाओ, आवाज होगा इससे, चाहे एसी चला लो। ठीक है एवरीवन, इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब गुडविल निकालो फटाक से। अच्छा, नोट टू में शेयर होल्डर फंड 260 माइनस 140, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 70, लेस शेयर कैपिटल ऑफ जेड लिमिटेड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ जेड लिमिटेड, ये मिला के 120, इसका 70% होता है 84। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 70% करो, 18.5 का 70% कितना होता है? 12.935। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड कैपिटल रिजर्व आ रहा है ना, कितना? अच्छा, तुम लोग हमको एक चीज नहीं पूछा, यहाँ पे एनालिसिस क्यों नहीं बनाया हम लोग? फायदा नहीं है, पोस्ट है ही नहीं, उसी में प्लस होके वहीं से माइनस होगा तो बात तो बराबर ही हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर फंड 120 आएगा। इसी में शेयर कैपिटल है, पोस्ट है नहीं। मैंने क्या बोला था, डिविडेंड पेड को एक बार ऐड करेंगे फिर लेस करेंगे, तो वहीं से ऐड वहीं से लेस, तो 120। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का पैसा भरा है मैंने, और ये प्री एक्विजिशन है बोल के, डिविडेंड रिसीव्ड इज रिलेटेड टू प्री एक्विजिशन पीरियड, that is period prior to date of acquisition. माइनॉरिटी निकालना नहीं है अपन को, ठीक है? चलो बाय बाय, तीन सबको प्रैक्टिस करिएगा, आगे हम लोग और करेंगे।
इन सब चीज का हम पैसा भरते हैं। बाय।